दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाने वाला अंदर से है खोखला। अमेरिकी सेना पर हुआ सनसनीखेज खुलासा। चीन रूस की सेना से कमजोर है अमेरिकी सेना। युद्ध का सामना करने की भी नहीं है हिम्मत। दोस्तों, जिस देश ने यूक्रेन रूस के बीच युद्ध करवा दिया, जिस देश ने ताइवान को चीन पर हावी कर दिया और जिस देश की ताकत के बल पर जापान चीन को आंख दिखाता है, उस देश की सेना खुद इतनी कमजोर है कि वो किसी युद्ध का सामना नहीं कर सकती है। ये देश खुद को हथियारों का बादशाह कहता है, लेकिन इसकी मिलिट्री में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो जंग के मैदान में उतरकर दुश्मन का सामना कर सके। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दुनिया में अमेरिका वो इकलौता देश है जो अपनी सेनाओं पर इतना खर्च डालता है कि एक देश की जीडीपी सुधर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी चीन और रूस से मिलते खतरों से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त उपकरण ही नहीं है। इंडेक्स ऑफ यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ नाम से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट को कंजर्वेटिव हेरिटेज फाउंडेशन थिंक टैंक की तरफ से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ जाहिर हो गया है कि अमेरिका, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है, वो खुद अंदर से कितना खोखला है। अगर चीन या रूस ने उस पर हमला कर दिया तो उसे बुरी तरह से धोया जा सकता है। तो चलिए हम आपको अमेरिका को लेकर आए इस रिपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, जिसमें आप उसकी खोखली ताकत की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत इससे क्या सबक ले सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सेना से किया जा सकता है। जिस देश की सेना जितनी मजबूत होगी वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के नाम पर अमेरिका टॉप पर आता है। सभी का ये मानना है कि अमेरिकी सेना कई उन्नत और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसके जरिए वो दुनिया के किसी भी देश का सामना करने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की सेना को लेकर अब जो बातें सामने आई हैं, वो आपको हैरान कर देंगी। विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना अब कमजोर पड़ती जा रही है। ये खुलासा एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिकी सेना की ताकत कम होती जा रही है और युद्ध होने की स्थिति में अमेरिकी सेना के हार जाने का काफी ज्यादा जोखिम बन गया है। अमेरिका के लिए ये चिंताजनक रिपोर्ट द हेरिटेज फाउंडेशन ने प्रकाशित की है, जो सशस्त्र बलों की ताकत और अमेरिका के लिए संभावित खतरों का विश्लेषण करता है। वॉशिंगटन स्थित इस रेटिंग एजेंसी ने पाया है कि पिछले 9 सालों के इतिहास में पहली बार अमेरिकी सेना की रेटिंग इतनी कमजोर पाई गई कि वो किसी भी युद्ध का सामना नहीं कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने हालिया समय में अपनी ताकत में बेतहाशा इजाफा किया है और चीन ने अपनी भूमि, समुद्र और हवाई संगठनों को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। वही अमेरिकी सेना एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां उसके पायलट्स को ट्रेनिंग तक नहीं मिल रही है और ज्यादातर पायलट्स बिना प्रशिक्षण के हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खामी ये हो गई है कि नागरिकों में सेना के लिए भर्ती की प्रक्रिया में भी काफी खराबी आ गई है। वो सेना में भर्ती होना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि अमेरिका अपनी सेना में भर्ती के लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पा रही है। वो अपने टारगेट का 50% ही सेना की भर्ती पूरी कर पा रहा है। अमेरिकी सेना में भर्ती की कमी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो अमेरिकी युवाओं का अनफिट होना और दूसरा अमेरिकी युवाओं में सेना में सेवा करने की दिलचस्पी कम होना। बताया जा रहा है कि अमेरिका में केवल 23% सैन्य आयु के पुरुष और महिलाएं ही सेवा करने के लिए योग्य हैं। इस तरह के आंकड़े अमेरिका को टेंशन में डाल रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकी सेना को समग्र तौर पर कमजोर कहा है और इसके अलावा अमेरिकी सेना के अलग अलग हिस्से की भी अलग अलग रेटिंग की है और उसके आधार पर अलग अलग ब्रांचेस की कमजोरियों या मजबूती के बारे में बताया गया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की थल सेना ने जैसे तैसे चलाऊ स्कोर किया है, वहीं अमेरिकी वायुसेना तो बहुत कमजोर है। हालांकि मरीन कॉर्प्स ने मजबूत रेटिंग प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो हमेशा से अमेरिकी फोर्स की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सेना साल 2030 तक अपनी 25% सैनिकों को रोबोट में बदलने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी गिरती अर्थव्यवस्था इसमें बड़ा रोड़ा बन रही है। इन समस्याओं से अमेरिका इतनी आसानी से निपट नहीं सकता। ऐसे में अमेरिकी सेना कमजोर पड़ती जा रही है।
बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी सेना के लिए पिछले दो बजट पास किए हैं वो आंकड़ों के हिसाब से तो ज्यादा है, लेकिन महंगाई की वजह से अमेरिकी सेना की जरूरतों के मुकाबले कम हो गया है। रिपोर्ट में महंगाई और बजट की कमी की वजह से गंभीर असर पड़ने की बात कही गई है। इसके मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच अमेरिकी सेना को 59 अरब डॉलर कम मिले हैं। हालांकि हेरिटेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब अमेरिकी सेना के लिए हालात सीमित सहायता से भी बदतर हो गए हैं और अब परस्पर हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना को अपने सहयोगी ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसी सेना का सहायता लेना पड़ेगा, जबकि इसके विपरीत अमेरिका के प्रमुख विरोधियों जैसे चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने हाल के सालों में अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से एडवांस किया है और अमेरिका के सहयोगी देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को डराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हेरिटेज ने इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि दुनिया भर में अमेरिकी बेस जहां जहां मौजूद हैं उनके बीच आपसी सामंजस्य में भी यूएस फोर्स काफी कमजोर हो गई है और अमेरिकी सेना अब एक भी प्रमुख क्षेत्रीय संघर्ष को संभालने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना टेक्नोलॉजी को लेकर भी अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ गई है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों के घटते स्टॉक भी शामिल है। अमेरिका के पास वर्तमान में केवल 300 भूमि आधारित मिसाइलें हैं, जबकि चीन के पास 14,000 से ज्यादा और रूस के पास 12,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। हालांकि हेरिटेज ने यह भी कहा है कि यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और यहां तक कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ग्लोबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में अभी भी अमेरिका की सैन्य शक्ति उसके अनुकूल है, लेकिन अमेरिकी सेना अब खुद पेंटागन से मिली बजट से काफी निराश बताई जा रही है और यूएस फोर्स ने कई बार कहा है कि वो महंगाई से निपटने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सैन्य शक्ति पर गंभीर असर पड़ रहा है और ऐसे में अमेरिकी सेना के लिए बार बार कठिन परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करना और किसी मुश्किल परिस्थिति में विरोधियों के लिए रणनीति बनाना खास तौर पर नौसेना और वायुसेना के लिए लगभग असंभव हो गया है। दोस्तों, अमेरिकी सेना की अलग अलग शाखाएं करीब 800 अरब डॉलर का बजट संघीय सरकार से हासिल करती है और अमेरिकी सरकार इस वक्त देश की कुल जीडीपी का 3% अपनी सेना पर खर्च करती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सरकार इस वक्त अपनी सेना पर जितना खर्च कर रही है वो 80 के दशक के मुकाबले में अमेरिकी सैन्य खर्च के लिए निर्धारित बजट से करीब 5-6% कम है, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना के लिए आत्मरक्षा कितना मुश्किल हो गया है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जुलाई महीने में राष्ट्र की रक्षा बजट के लिए अगले साल 800 अरब डॉलर के बजट का रास्ता खोला है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका नाटो के विस्तार पर निरंतर जोर दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को जवाब देने और नाटो के विस्तार का मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ से पहल करने के प्रयास किए जा सकते हैं, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और रूस के बीच संबंध कैसे हैं यह हर कोई जानता है। ऐसे में अगर अमेरिकी सेना कमजोर पड़ती है तो ये भारत के लिए स्वयं को मजबूत करने के बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। वैसे मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अरब देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए हैं। इसका सबसे नवीनतम उदाहरण है I2U2 का गठन, एक नए क्वाड देशों का गठन किया गया जिसमें भारत के साथ अरब देश, इजराइल और यूएई भी शामिल हैं। इन क्वाड संगठन के माध्यम से भारत अपनी पकड़ अरब देशों पर और मजबूत करने का काम करेगा। हालांकि इस दौरान भारत के लिए एकमात्र चिंता का विषय है उसके पड़ोसी देश, जो भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अमेरिकी सेना भले ही लंबे समय तक हमारे पड़ोसी देशों में अपनी सेना भेजने के लिए सक्षम ना हो पाएगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश अपने यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने के प्रयास कर सकते हैं। इसका परिणाम ये होगा, इससे भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं।